टीम औरैया के खिलाफ व्यापार मंडल सड़कों पर उतरा। तीन व्यापारियों को जबरन गिरफ्तार करके सैकड़ों व्यापारी भड़क उठे। एसडीएम औरैया मुर्दाबाद के नारे लगाए। एसडीएम रमेश यादव को हटाए जाने की मांग की। एसडीएम की दबंगई से पीड़ित व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन किया। लकड़ी मंडी के दर्जनों कारोबारियों को कब्जा हटाने का नोटिस दिया। व्यापारियों पर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। शहर कोतवाली के यमुना रोड पर प्रदर्शन किया। अमेठी में रास्ते के विवाद के चलते कल देर शाम सैनिक के पिता की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने 6 नामजद लोगों को गिरफ्तार किया है। घर पर दीवार प्लास्टर करते समय वाद विवाद हुआ था, तभी विपक्षियों ने अधेड़ पर लाठी डंडे और रॉड से हमला किया। संग्रामपुर पुलिस ने सभी अभियुक्तों को पकड़कर जेल भेज दिया। संग्रामपुर थाना क्षेत्र के शुक्लपुर गांव का मामला था। सर, कल एक थाना क्षेत्र में एक घटना घटी थी जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, अभी तक पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई? 21 जुलाई को संग्रामपुर थाना क्षेत्र के सुकुलपुर ठेंगहा के रहने वाले सत्यप्रकाश मिश्रा द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उन्होंने यह बताया कि उनके पड़ोस में रहने वाले 6 लोगों द्वारा उनके पिता को काफ़ी मारा पीटा गया था, जिन्हें हॉस्पिटल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पर FIR पंजीकृत की गई, जो 298/20 क्राइम नंबर है। इसमें तुरंत विधिक कार्रवाई की गई और मुकदमा पंजीकृत करने के बाद टीम का गठन किया गया और गिरफ्तारी के लिए निर्देश दिए गए, जिसके क्रम में आज 22 तारीख को 6 नामजद अभियुक्तों में से 5 की गिरफ्तारी की जा चुकी है तथा उनका चालान भी किया गया है। उनके साथ ही आला कत्ल के रूप में 3 लाठी डंडे और 1 लोहे की राड जिससे पीट करके बुजुर्ग की हत्या की गई है वो बरामद हुआ है। विधिक कार्रवाई की जा रही है और उनका चालान किया गया। जो एक शेष अभियुक्त बचे हैं उनको भी अतिशीघ्र गिरफ्तार। विवाद का कारण क्या था सर? विवाद का कारण चूंकि कोई इधर बीच 7-8 महीने से हम लोगों ने रजिस्टर भी अपना चेक किया, किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी गई और वादी पक्ष से भी बात की गई तो बताया गया कि कोई इस बीच में कोई विवाद बड़ा ऐसा नहीं रहा, लेकिन उनके घर का प्लास्टर होना था, उस प्लास्टर से पूर्व जो तराई की जाती है उसी पानी के छींटे को लेकर के विवाद हुआ और उसमें अकस्मात ये घटना घटी। मृतक पक्ष में लोगों में काफी आक्रोश है, क्या असंतुष्ट है? घटना के समय चूंकि उनके घर एक डेथ हुई थी तो वो आक्रोशित थे, परंतु वह वैसा बिल्कुल नहीं है। वादी पक्ष से बात की गई, पुलिस अधीक्षक महोदय था हमारे द्वारा, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, उन्हें आश्वस्त किया गया कि 100% कार्यवाही होगी और वो पूर्णतः संतुष्ट हैं। 6 में से 5 नामजद अभियुक्त गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं, एक जो शेष हैं उन्हें भी बहुत जल्द हम लोग गिरफ्तार करेंगे। वादी पक्ष से बात हुई है, वो सभी लोग संतुष्ट हैं और पूर्णतः अभी मुतमईन हैं, हम लोगों के भरोसे हैं। कोई शिकायत अभी पुलिस से उनको नहीं है और अग्रिम कार्रवाई भी हम लोगों की अतिशीघ्र होगी और पूर्णतः 100% कार्रवाई की जाएगी। जिले में यहां शहर कोतवाली क्षेत्र के यमुना रोड पर सैकड़ों व्यापारियों का आक्रोश एसडीएम के खिलाफ उस समय सड़क पर आ गया जब बिना किसी कारण के 3 व्यापारियों को एसडीएम ने जबरन हिरासत में लेकर कोतवाली ले गए। व्यापारियों पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाते हुए एसडीएम द्वारा जहां एक कार्रवाई की गई थी, वहीं व्यापारियों का कहना है कि उनकी दुकानें पिछले 30 वर्षों से हैं, सभी के नाम पक्के दस्तावेज भी हैं। व्यापार मंडल के नेतृत्व में सैकड़ों व्यापारियों ने एसडीएम रमेश यादव मुर्दाबाद के नारे लगाकर जमकर हंगामा किया। व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि एसडीएम की दबंगई के कारण व्यापारी मानसिक रूप से परेशान हैं और आए दिन कानूनी कार्रवाई का हवाला देते हुए उत्पीड़न किया जा रहा है जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाथों में तख्ती लेकर विरोध कर रहे व्यापारियों ने एसडीएम को हटाए जाने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। व्यापारियों ने कहा कि एसडीएम व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं, जबरन दबाव बना रहे हैं, जबकि पिछले 30 सालों से अधिक हुए रोजगार को कर रही हैं। फिलहाल जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। वहीं व्यापार मंडल के नेताओं ने कहा कि अगर एसडीएम और या रमेश यादव को नहीं हटाया गया तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन होगा। यूपी के औरैया जनपद में दिनांक 5 जुलाई को सदर कोतवाली क्षेत्र के दिव्यापुर रोड पर लखन वाटिका के पास एक कार संदिग्ध हालत में मिली। कार के अंदर एक मोबाइल पर खून के छींटे और कपड़ा प्राप्त हुआ। कार की शिनाख्त और फरोख्त करते हुए जब पुलिस ने कार स्वामी का पता किया तो परिजनों के अनुसार मामला अपहरण का निकला, क्योंकि परिजनों ने अपहरण होने की आशंका जताई। लगभग 15 दिन के बाद पुलिस ने अपहृत हुए व्यापारी को मथुरा से मिलने की सूचना पर पुलिस टीम ने मथुरा पहुंचकर व्यापारी को अपने साथ वापस औरैया लाई। व्यापारी ने पहले तो पुलिस को इधर उधर की बातें
और अपहरण की झूठी कहानी सुनाई, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे व्यापारी टूट गया और उसने अपने अपहरण की ऐसी गाथा सुनाई जिसे सुनकर कोई भी हिल सकता है। विगत 5 जुलाई को सदर कोतवाली क्षेत्र में संदिग्ध हालत में कार मिलने और कार मालिक के गायब होने की जानकारी पर पुलिस ने जांच प्रक्रिया शुरू की, जिसमें लापता अपहृत व्यापारी के परिजनों ने बताया कि व्यापारी अमित दुबे जनपद कानपुर देहात का रहने वाला, लखनऊ में व्यापार करने वाले अमित दुबे के ऊपर लाखों का खर्च कर्जा था, जिसके चलते उसने अपने अपहरण होने का आरोप उधार देने वालों पर लगाया, लेकिन पुलिस ने सभी मंसूबों पर पानी फेरते हुए व्यापारी के अपहरण का पर्दाफाश कर दिया। भ्रष्ट थी और क्या क्या बता सकते इसके आगे बात में ऐसा अगर हम समझ नहीं लेने देने का आप नहीं, किसी ने हमसे कुछ कहा नहीं, पैसे क्या तगादा किया था तो नहीं, किसी किसी ने व्यापार है हमारा लेना देना था, लेकिन किसी ने मुझे ऐसा नहीं कि मुझे पैसे दो तो मारेंगे या आपके हाथों पाए तो किसने बांधे थे जो आपने वहाँ मिले थे मथुरा में, मथुरा में जो मिले थे हाथ पाए बंधे हुए किसने किसने बांधा था वो सब सब मैंने कैसे अपने हाथ स्वयं किया कैसे बांधे अपने हाथ अपने स्वयं मतलब कैसे निकाल लिया स्वयं आपने अपने लेडी उसके ब्रेड अपने हाथ निकाल लिया क्या मामला है। ऐसा है 5 तारीख को सुबह कोतवाली क्षेत्र में बैंकेट हॉल है लखन पार्टी के, उसके सामने एक संदिग्ध गाड़ी मिली थी इको स्पोर्ट्स ग्रे कलर की, जो तस्दीक करने पर पाई गई थी ये अमित दुबे के नाम है जो मूल रूप से कानपुर देहात के रहने वाले हैं लेकिन लखनऊ में रहते हैं। वो अपने घर की तरफ आ रहे थे और रास्ते में वो गायब हो गए, पर ये गाड़ी हमको संदिग्ध हालत में मिली जिसमें चाबी अंदर थी, थोड़े खून के धब्बे लगे हुए थे, उनका सारा सामान, उनका मोबाइल फ़ोन, गाड़ी की चाबी वगैरह सब अंदर थी। तत्काल इस पे टीम्स को सबको एक्टिव करके हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत किया था। इसके अनावरण के लिए 5 टीमों का गठन किया गया था और आसपास के जितने जनपद हैं वहाँ पर प्रॉपर चेकिंग हम लोगों ने टीम रवाना करके जो जो हमको एविडेंसेस मिले या जो जो हमको लीड मिली उस पर कार्रवाई कराई गई थी। उसी क्रम में हमको अवगत कराना है कि हम आज उसका खुलासा कर रहे हैं कि 2 दिन पहले ये अमित दुबे मथुरा में पाए जाते हैं, जिसमें दोबारा से बहुत ही संदिग्ध हालत में इनके हाथ और मुंह बंधे हुए हैं और बिल्कुल हाईवे पर ये मिलते हैं। मिलने पर तत्काल इन्होंने कुछ जानकारी दी अपने पिछले 15 दिन के रिकॉर्ड की, जिसमें ये बता रहे हैं कि भाई मेरा किडनैप हो गया था। किडनैप के कारण 15 दिन से कोई एक्सटॉर्शन कॉल नहीं थी, कुछ नहीं हुआ था और हमने नोटिस किया कि हर घंटे या 2 घंटे में इनके बयान बदल रहे थे। इन्होंने आरोप एक किसी गोपाल जी पे भी लगाया था कि मैं उनसे 52 लाख रुपए लेकर मथुरा से चला था और फिर रास्ते में लूट हो गई, तो संभवतः क्योंकि उन्हीं को पता था मैं रुपये लेकर चला हूँ तो वो भी इसमें साजिश में शामिल थे। जो गोपाल जी जिनको वो नाम दे रहे थे उनको हमने सबसे पहले ही शुरुआत में तस्दीक कर लिया था जब हमने इनकी मूवमेंट शुरू की थी लखनऊ से, जहाँ से ये 4 तारीख को चले थे। लखनऊ से चलकर 4 तारीख को ये मथुरा गए हैं, मथुरा में गोपाल जी से मिलकर उनसे कहते हैं कि हमको एक थोड़ा मिठाई घर के लिए लेके जाना है और इस संदर्भ में वो एक पेड़े का डिब्बा लेते हैं, लेकर वापसी करते हैं। जो नई कहानी जब हमें सुबह मिले दोनों ने बनाई तो उसमें यह था कि वो पेड़े के डिब्बे में एक्चुअली में उनको 52 लाख रुपये दिए गए थे। जब दोबारा से पुनः इसमें नए तथ्यों को देखते हुए जांच की गई तो उन्होंने जो जो आरोप प्रत्यारोप शुरुआत में लगाए थे वो सब झूठ पाए गए। उन्होंने कहा था उनका किडनैप हुआ है, लेकिन उसकी जगह पर पाया गया कि यहाँ से ये घटना स्वयं पारित करके उन्होंने यहाँ से वो निकल गए हरिद्वार की तरफ वाया आगरा, और हरिद्वार के बाद वो केदारनाथ जाने का प्रयास रखते लेकिन आईडी वगैरह ना मिलने के कारण गुप्त काशी तक पहुँच गए, वहाँ कुछ दिन रुक कर फिर वापस आए हैं। इस चीज़ के लिए हम लोकल अथॉरिटीज़ वहाँ गुप्त काशी भी मथुरा आगरा मुजफ्फरनगर जहाँ जाएँ ये रस्ते में रुके हैं उन सबसे चीज़ें वेरीफाई करा रहे हैं। इन्होंने भी अपना जो जुर्म है उसको कबूला है, जो संबंधित मुकदमा है उसमें थाना ही तरमीम कर आज हम इनकी अरेस्टिंग कर रहे हैं और इनको जेल भेजा जाएगा। इनके भागने का कारण क्या? देखिए ऐसा है, ये कोई प्रॉपर्टी और शेयर का व्यापार करते थे जिसमें इनको काफ़ी लॉस हो रहा था और कई लोगों से इन्होंने रुपए ले लेकर इन्वेस्ट कर रखे थे जो अब इनसे रुपए मांग रहे थे,
और उसी को लेकर क्योंकि ये रुपए वापस देने की स्थिति में नहीं थे, इनको लगा कि इससे एक दबाव बनेगा उन लोगों पर भी, और बहुत अच्छा दबाव इन्होंने बनाया क्योंकि पिछले 15 दिन में एक ऐसी पटकथा बनी कि इनका जो किडनैप हुआ है या इनके साथ जो घटना हुई है उसमें यही लोग शामिल हैं जो उनसे रुपए मांगते थे। क्या इनके खिलाफ कोई उन लोगों की तरफ से कोई FIR दर्ज कराई जा रही है? हमारे पास एप्लीकेशन आई है और इस पर एक FIR अलग से उन लोगों की तरफ से भी दर्ज कराई। देखिए अभी तक हम जितना तस्दीक कर पाए, जितने लोग हमारे पास आए हैं वो करीब 80-90 लाख के पास जा रहा है, पर हो सकता है क्योंकि अभी लखनऊ से लोगों ने हमको अप्रोच नहीं किया, अभी केवल कानपुर देहात, औरैया, जालौर, गाजियाबाद यहाँ से ही कुछ लोग हैं जो हमारे पास आए हैं, और सूचना हमको ये मिल रही है कि और भी लोग हैं जिनसे इन्होंने रुपए ले लेकर ऐसे इन्वेस्ट किए हैं। विधानसभा अध्यक्ष की बहन से भी कुछ कमेंट?